गर्मियों के सीजन में हमेशा बेल का जूस पीना चाहिए, और बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं, हाइजीनिक कितना रहता है। तो आज हम घर पे बनाएंगे फ्रेश फ्रेश बेल का जूस। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेल का पका हुआ बेल है और ये काफ़ी अच्छा पक गया है, तो इसे हम तोड़ते हैं, इसका जूस बनाएंगे। तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे तोड़ लिया है और अब इसके अंदर का जो अच्छा अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसे हम निकाल लेंगे। तब देख सकते हैं इसे मैं तोड़ लिया, तो इसे मैं निकालती हूँ। और यहाँ पे हम एक चम्मच ले लेंगे, चम्मच के मदद से इसे निकाल लेंगे। तो इतना मीठा है कि पूछे मत, बहुत ही मीठा फ्रेश फ्रेश बेल है। और ये हमें बहुत अच्छा, इसका हम जूस बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी सा जूस बन के रेडी होता है। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए होंगे, तो जाकर मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ये बहुत अच्छा जूस बन के रेडी होगा आप लोग के लिए। मैं अच्छा अच्छा वीडियो लेके आती रहती हूँ। और ये देखिए मैंने पूरा निकाल लिया, और अब हम इसे इसमें ठंडा ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो हम ले लेते हैं इसमें फ्रिज का सबसे ठंडा चिल पानी। तो यहाँ पे हमारे फ्रिज में जो सबसे ठंडा बॉटल का पानी था उसे हमने ऐड कर लिया, और इसे हम हाथों के मदद से ही बनाएंगे जूस को, क्योंकि हाथ की मदद से ही जूस ये सही बनता है, वरना आप इसका मशीन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास मशीन नहीं है तो हम हाथ के मदद से इसे बना रहे हैं। और इसमें अब ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप के करीब चीनी, तो इसे भी ऐड करके हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। और ये हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसे छान लेंगे। हाथ से भी थोड़ा चला लेते हैं, जो भी चीनी थोड़ी बहुत नीचे रही होगी वो भी मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारी चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गई है, अब बिल्कुल नीचे चीनी नहीं है। तो अब इसके बाद हम इसे छान लेंगे छन्नी के मदद से। और ये मैं थोड़ा सा ब्लेंडर भी लेके चला रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैंने सारी चीज़ों का यूज़ कर लिया चीनी को मिक्स करने के लिए। चीनी हमारी मिक्स हो गई है, थोड़ा सा हमें ये गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया। और अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे, जो भी इसमें बीज उज होंगे वो निकल जाएंगे। और ये बहुत ही फ्रेश फ्रेश जूस बन के रेडी हो गया है। तो जूस का एंजॉय करिए, और वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। तो ये जूस है तो सुबह के टाइम ही है, दोपहर के टाइम ही आप ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ दोपहर का टाइम है, तो हम लोग दोनों पति पत्नी के लिए 2 गिलास हमने बना लिया जूस, और अब चलते हैं हम इंजॉय करने। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड।